वेलकम टू माय यूट्यूब यंग स्ट्री प्लेटफॉर्म में हूं एज हम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंग्स डम्स किंगडम्स किंग्स एंड एन ऑल रिपब्लिक। आज हम ये देखेंगे जनापदस कैसे वजूद में आए, फिर महाजनापदस कैसे वजूद में आए, ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसके मुतालिक फर्स्ट लेक्चर दिया था, ठीक, जब मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है लेटर वैदिक। लेटर वैदिक मतलब कि एक तो हमारे पास है अर्लियर वैदिक और है लेटर वैदिक। अर्लियर वैदिक में क्या आते हैं, जो हमारे पास ऋग्वेदा है। ऋग्वेदा पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था, ऋग्वेदा के बारे में। अब इस लेक्चर में क्या पढ़ते हैं, जो हमारे पास लेटर वैदिक है, जैसे हमारे पास है समाविदा, यजुर्वेदा, अथर्वेदा, अथर्ववेदा, इन विदास के मुताबिक हम पढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में भी हमने इसका बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जनापदास एंड महाजनापदास, और फिर ये जना कैसे वजूद में आ गए। जना मीन्स पीपल, जो पुराने टाइप के लोग वो जना थे, जो पिछले लेक्चर में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वहां में उनकी ना आर्मी थी, ना उनके टैक्स थे, ना उनके पास वो पैलेस, कोई उनके पास पर्टिकुलर पैलेस था जहां पे वो रहते थे, बल्कि असेंबलीज होते थे और फिर वो लड़ते थे। तो वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। आज हम देखेंगे और जनापदा कैसे आ गए। देखो कुछ लोग यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आयरन का ऑरिजिन हो गया, तो आयरन अब तो प्रेजेंस ऑफ आयरन, और कुछ लोग क्या हो गए, कुछ लोग इनमें से पावरफुल हो गए, और उन्हीं लोगों को क्या कहते हैं, जनापदा। अब ये जनापदा यानी कि पावरफुल जो लोग थे इनको जनापदा बोलते हैं। कब हुए थे पावरफुल, लेटर वैदिक पीरियड में, यानी लेटर वैदिक सिस्टम, लेटर वैदिक पीरियड में ये हो गए हमारे पास पावरफुल। अब हम देखेंगे पहले साइट्स, जहां जहां पे कहां कहां पे हमारे ये प्रेजेंट है। पहले है पुराना किला जो हमारे पास दिल्ली में प्रेजेंट है, यहाँ पे साइट जो है वो पाए गए हैं, यहाँ पे इनकी प्रेजेंस देखी गई है, पुराना किला दिल्ली में। इसके अलावा हस्तिनापुत्रा कहाँ पे, मेरठ, ये उनके मतलब ये हमारे पास साइट्स हैं। इसके अलावा ठीक अतरंजी खीरा है, वो भी कहाँ पे है, वो भी है यानी कि वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये हसनापुरा है, अतरंजी खीरा है। और इसके अलावा ये जो है पुराना किला, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, दिल्ली में। और ये लोग जो जनापदास थे उनकी खास फीचर्स ये है कि ये हटल में रहते थे। इससे पहले जो लोग जो हमने हंटिंग गैदरर्स ग्रोविंग फूड से देखा था, वहां पर मोस्टली कहाँ पर रहते थे, केव्स में रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि वो प्रोटेक्शन उनको हो जाती थी, किससे, विंड से, हीट से, हाँ रेन से, इन चीजों से प्रोटेक्शन हो जाती थी। अब ये लोग इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने हट्स में रहना स्टार्ट कर दिया। अब ये कैप्ट करते हैं कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, अब ये अपने साथ रखते हैं इन कैटल्स को, फॉर एग्जाम्पल गोट है, फॉर एग्जाम्पल शीप है, वो अपने साथ ये रखते हैं। और इसके अलावा ये ग्रीव करते हैं वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, अभी ग्रीव करने लगे, यानी हर्डर्स ये हैं, यानी कि राइस है, वीट है, बैली है, पल्सिस है, शुगर कैन है, मस्टर्ड है, ये सारे कुछ। अब जो ये लोग हैं ये इन चीजों को कल्टीवेट करने लगे, इन चीजों को कल्टीवेशन इनकी करने लगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या पाया गया, अर्थन पोर्ट्स यहाँ पर ग्रे और रेड में आपको मिलेंगे, ये अर्थन पोर्ट्स भी इनके प्रेजेंट थी, दैट मीन्स दे वर द गैदरर्स, यानी कि ये जुमा कलेक्ट करते थे और इन पोर्ट्स में रखते थे। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल प्रिंटेड ग्रे वेयर भी प्रेजेंट थी, स्पेशल जो यहाँ पे पोर्ट थी वो कौन सी थी, पैंटेड ग्रे वेयर, और उसको क्या डिजाइन भी थे, यानी सैंपल लाइंस और ज्योमेट्रिकल पैटर्न में उसको डिजाइन भी किया गया था। तो ये हमने देखा है यहाँ पे क्या डायरेक्टर जो हमारे पास क्या थे, जनापदस। अब आपको समझ में आ गया, जनापदस यानी कि कॉमन लोगों से जो उठे जो पावरफुल लोग बन गए, इनको हमने क्या बोला, जनापदस। अब कुछ जनापदस और पावरफुल हो गए,
तो वो बन गए महाजनापद। ठीक, यानी कि 2500 ईयर्स अगो जो है, जो 2500 ईयर्स अगो जो क्या हुआ है कैपिटल सिटी उन महाजनापद के पास। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, ये जो यहां से मोर ओवर पावरफुल पावरफुल आगे, इनके पास अब अपनी कैपिटल सिटी थी और फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल्स, यानी कि एक तो इनके पास सिटी भी थी और ये फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल्स भी करते थे, यानी अपने सराउंडिंग जो है ये फोर्टिफिकेशन कराते थे, किससे? विद हेल्प ऑफ बोन्स और विद हेल्प ऑफ बोन्स नहीं बोली सॉरी विद हेल्प ऑफ वुड ब्रिक और स्टोन, ब्रिक और ब्रिक्स की मदद से या स्टोन लगाते थे या क्या करते थे या वुड लगाते थे, यानी अपने जो इनकी कैपिटल थी उसके इर्द गिर्द क्या करते थे फोर्टिफिकेशन। दो फ्यूचर्स हैं इसके, एक फ्यूचर्स ये है कि 2500 ईयर्स अगो तो ये था, और एक तो इनके पास अपनी कैपिटल थी और दूसरी इनके पास अब फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल्स भी थी। तो जो जनपद के पास फोर्टिफिकेशन नहीं थी, ये इनके पास तो थी, मतलब ये भी एक साइड से ये तो पावरफुल थे, लेकिन महाजनापद इनसे जनापद से पावरफुल थे। अब रीजन ऑफ फोर्टिफिकेशन, अब ये लोग क्यों करते थे फोर्टिफिकेशन? देखो फोर्टिफिकेशन मीन्स अपने, अब मैं बताऊं हम अपने घर में क्यों रहते हैं, हम बाहर भी तो रह सकते हैं, लेकिन हम अपने घर में किस प्रोटेक्शन के लिए? पहले जो जानवर होगा वो भी हमें क्या करेगा, वो भी हमें मतलब अगर कोई एनिमल होगा वो हमें खाएगा, जो वाइल्ड एनिमल होगा, इससे प्रोटेक्शन के लिए तो हम अपने घर में आते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं अगर घर की हम बात करें। लेकिन ये जो है ये फोर्टिफिकेशन, हम दीवारें क्यों लगाते घर में, आप दीवारें क्यों लगाते हैं? ताकि किसी की इंटरफेरेंस हमारे घर में ना हो, दीवारें तो इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है ना, कोई वाइल्ड जो है वाइल्ड चीज वो हमारे घर में ना घुस जाए, चोर हमारे घर में ना घुस जाए, कोई एनिमी जो है हमारे घर में ना घुस जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम दीवारें खड़ा करते हैं। अब ये भी दीवारें खड़ा करते थे, इनको किसका खतरा था? पहला खतरा जो था दूसरे किंग का खतरा था। फॉर एग्जाम्पल ये उसकी बाउंड्री है, अब ये इस कोई महाजनापद इस यहां तक राज करते हैं, ठीक है ना, महाजनापद यहां तक राज करते हैं। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे ये है कि दूसरा भी किंग तो यहाँ पे आ सकता है ना, जो इसको इससे लड़ जाए, तो इसलिए ये खतरा था दूसरा जो है दूसरा किंग यहाँ पे ना आ जाए। पहला रीजन यही था कि फॉर द प्रोटेक्शन। और दूसरा मसला ये है कि अपने खुद को ये दिखाने के लिए कि मैं कितने, हमारे पास कितनी वेल्थ है, हमारे पास कितनी दौलत है, हम कितने रिच हैं, हम कितने पावरफुल हैं, कुछ महाजनापद ये भी करते थे। तो इसीलिए ये क्या करते थे, फोर्टिफिकेशन करते थे, ये दिखाने के लिए कि हम कितने पावरफुल हैं। इसके अलावा ये इसलिए भी करते थे ताकि एक जो महाजनापद है उसको जो रूलर होगा यहाँ का, उसको तो मतलब लैंड पे भी और लोगों पे भी प्रॉपर कंट्रोल रहे, ठीक है ना। तो ये थी तीन वजह जिसकी वजह से ये क्या करते थे, फोर्टिफिकेशन। अब हम देखेंगे रुकायर, यानी ये रिक्वायरमेंट क्यों थी, मतलब इस फोर्टिफिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, एक क्या थी, एक तो इसके लिए लेबर चाहिए थी, बहुत सारे लेबर, जब लेबर होंगे तभी काम होगा, इसके लिए प्लान चाहिए, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है ना, कैसे करेंगे, एक तो प्लानिंग चाहिए, दूसरे उनके पास लेबर चाहिए, तीसरी चीज उनके पास क्या चाहिए, अब या ब्रिक चाहिए या उनको स्टोन चाहिए, यही लिखा होगा कि इनको क्या चाहिए, इनको एक प्लानिंग चाहिए, प्लान लेबर चाहिए, लेबर के अलावा इनको ब्रिक्स और स्टोन चाहिए। और जब ये फोर्टिफिकेशन हो गई, अब इन महाजनापद ने क्या किया, इन्होंने और तीन चीज किए। पहला चीज इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्मीज रखी। अब ऐसा नहीं कोई दुश्मन आ जाए अटैक करने के लिए, हमारे यहाँ पे आर्मी जो है वापस इनको अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये मैं फर्स्ट है कि मेंटेन आर्मी को मेंटेन जो है करने की इन्होंने महाजनापद ने। और दूसरे पार जो है सोल्जर्स, अब जो उनके आर्मी थी सोल्जर्स, उनको पे
दिया गया, सैलरीज दी गई, हाँ ठीक है ना, सैलरीज दी गई उनको। अब तीसरी तीसरा जो है, अब क्वीनस पंच जो हमारे पास है, पंच मार्कर क्वीनस वो बनाए गए। यानी तीन चीजें महाजनापदस ने की हैं। पहले इसने अपनी आर्मी रखी है जो जनापदस के पास नहीं थी, इसने अपनी आर्मी रखी है, फोर्टिफिकेशन इन्होंने की है, इन्होंने अपनी आर्मी रखी है, इन्होंने सोल्जर्स को सैलरी देना स्टार्ट कर दिया। और तीसरी बात, इन्होंने क्या पंच मार्कर क्वीनस बनाए। अब इन चीजों को अब फोर्टिफिकेशन करने की जरूरत है। अगर फोर्टिफिकेशन करनी है तो इसके लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, इसके लिए मटेरियल चाहिए। दैट मीन्स सिंपली कि फोर्टिफिकेशन करने के लिए इनको रिसोर्स चाहिए थे, रिसोर्स चाहिए थे। अब रिसोर्स कहाँ से आ जाएंगे, रिसोर्स कहाँ से आ जाएंगे ये देखेंगे। देखो महापाना जहाज क्या करते थे, ये बिल्ड बनाते थे, ये फोर्टिफिकेशन करते थे, यानी बिल्ड ह्यूज फोर्ट्स बनाते थे। और दूसरे काम क्या करते थे, ये मेंटेन करते थे आर्मी। अब मेंटेन आर्मी और जो यहाँ पे फोर्टिफिकेशन करते, इनको ले चाहिए क्या, बहुत सारे रिसोर्सेज। अब हमने देखा है जनपदाज में लोग क्या, रूलर जनपदाज में क्या किया जाता था, यहाँ पर लोग जो है वो गिफ्ट देते थे। अब गिफ्ट से थोड़ी ही काम चलेगा, अब टैक्स स्टार्ट टैक्सेस। अब जो रूलर्स है, अब जो महाजनपदाज हैं, इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं टैक्स में इन्होंने क्या रखा। 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड, फार्मर्स के लिए टैक्स था जो उनको क्रॉप्स वगैरह से निकलेगा प्रोटेक्शन, उसका 1/6 जो है वो किसको देना है, किंग को देना है। यानी कि जो भी क्रॉप्स से उनको मिलेगा उसका 1/6 किसको देना है, किंग्स को देना है, जिसका बगा और शेयर कहते थे, जिसको बगा और शेयर कहते हैं। यानी फार्मर जो भी कल्टीवेट करेंगे, जो वहां से निकलेगा, उनका 1/6 किनको देना है, महाजनपदास को। और इसके अलावा ये था हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास था फर्स्ट, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे सेकंड। तो सेकंड क्या था, जो क्राफ्ट पर्सनस थे, जो क्राफ्ट यानी काम करने वाले, यानी जो मतलब किसी स्पेशल काम जो करते थे, फॉर एग्जांपल गोल्ड स्मिथ था, यानी कि अपने शोबे में जो माहिर थे। अब वो क्या करते हैं, उनको क्या टैक्स लग गया, उनको क्या करना है, काम करना है कहाँ पे, महाजनपदास के वहां, यानी रूलर्स के वहां क्या काम करना है, उनको एक महीने में से एक दिन किसको देना है बादशाह को देना है। इसके अलावा अगर हम तीसरी बात करेंगे टैक्स ऑन गुड्स, यानी अब सोल्ड या बॉट्स, इनको सोल्ड या बॉट आपस में जो एक्सचेंज जब गुड्स होते थे, तो यहाँ पे गुड्स पर भी अब टैक्स लग गए, जो आज भी लगते हैं ना, टैक्स स्टार्ट हो गए गुड्स पे। इसके अलावा चौथा हर्डर्स, अब जो हर्डर्स थे, यानी जो क्या करते थे, जिनके पास गोट्स थे, कैटल्स थे, कैप्ट थे, और इनको क्या देना था, इनको एनिमल देना था। यानी कि हर एक के पास कहीं ना कहीं टैक्स में आता है। और अब जो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, उनको भी फॉरेस्ट प्रोडक्शन, जो फॉरेस्ट से जो लाते थे, उनका टैक्स भी उस वो प्रोडक्शन किसको देना था, बादशाह रूलर को देना था। यानी यहां देखो मैं समझ आ गया कि 5 टाइप्स ऑफ टैक्स उन्होंने लगाए। पहला फार्मर्स के लिए 1/6 देना है उनको, रूल जिसको बादशाह को। दूसरा जो टैक्स उसने लगाया है, टैक्स किसे लगाया, क्राफ्ट मैन्स के लिए, तो क्राफ्ट पर्सन के लिए क्या, एक दिन का काम करना है। तीसरा जो इन्होंने लगाया गुड्स के लिए, गुड्स के लिए भी उन्होंने टैक्स लगाया। तो चौथा जो इसने लगाया हर्डर्स के लिए, उनको नहीं बोलते। तो पांचवा जो इन्होंने लगाया है वो हंटर्स के लिए, गैदरर्स के लिए, फॉरेस्ट प्रोडक्शन, उनको किसको देने। तो अब हम देखेंगे चेंज इन एग्रीकल्चर, अब चेंज क्या हो गया एग्रीकल्चर। देखो अगर हम पिछली बात करेंगे तो वहां पर, अगर मैंने आपको बताया भी था, तो वहां पर अगर हम पिछली बात करेंगे तो पिछली बात में क्या हुआ था, वहां पर हमारे पास वुडन प्लॉग थे, यानी वुडन प्लॉग मिले थे साइकिल में, इससे पहले जो हमने पढ़े।
तो वुडन, अब यहां पे जो है आयरन पुलाव का यूज इस्तेमाल किया गया है। किसका? आयरन पुलाव। तो इसे जो है बेटर हो गया हमारी सॉयल, जरखेज होने लगी। इससे पहले वुडन होता था, अब पुलाव आयरन पुलाव आ गया, तो सिंपली जो हमारे पास है बेटरमेंट हो गई, यानी कि चेंजेस आने लगे। और इसके अलावा ट्रांसप्लांटिंग, अब पैडिंग, इससे पहले हम स्कर्टिंग करते थे, यानी मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक हम लगाते थे, फेंकते थे ग्रेन्स को, हाँ ठीक। तो इसके बाद वो उग जाता था, बस देखते थे वो वगैरह, थोड़ा सा मतलब उस पर ज्यादा मेहनत नहीं होता। अब ट्रांसप्लांट इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अब अच्छी खासी जो है इंडस्ट्री ऑफ स्कर्टिंग। नाउ अब इससे क्या इफेक्ट बढ़ गया, इससे ये इफेक्ट, पहला इफेक्ट बढ़ा है कि स्लेव मैन एंड वुमेन्स हैव टू वर्क, जो स्लेव वुमेन, जो कैप्चर मैन एंड वुमेन्स थे, उनको भी काम करना पड़ा। इवन कि जिनके पास लैंड नहीं था, यानी लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, इनको भी क्या करना पड़ा, इनको भी वर्क करने। तो फिर ये था इफेक्ट। तो आज के इस लेक्चर में हमने जनाबाज की बात की, इनके साइड्स की बात की, महाजना पढ़े, रीजंस फॉर फोर्टिफिकेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्टिफिकेशन। नाउ फिर टैक्स की बात की हमने, फिर देखा कौन कौन सा टैक्स लगता था। और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे कुछ साइड्स के मुताबिक, मगध साइड्स के मुताबिक, विजय साइड के मुताबिक, और अजातशत्रु एंड विजयस इनके मुताबिक पढ़ेंगे। तो ग्रीस के कैपिटल एथेंस के मुताबिक कुछ पढ़ेंगे। तो मिलेंगे आपसे लेक्चर में, तब तक तो बने रहे हमारे ट्यूटोरियल के सब्सक्राइब।